थ्री फेज एसी लोको में कैटल गार्ड को चेक करना बहुत जरूरी है, कैटल गार्ड और रेल गार्ड। ये रेल गार्ड जो है 102 से 119 एमएम का गैप होना चाहिए थ्री फेज लोको में, रेल हेड से लेके यहाँ के बीच में 102 से 119 एमएम, जबकि कन्वेंशनल WG7 लोको में 104 से 119 एमएम अलाउड है। तो कभी ये टूट जाता है, कभी अंदर चला जाता है या रहता ही नहीं है, तो फिर अपने को जो है ये इंफॉर्मेशन कंट्रोल को देना जरूरी है। कभी कभी कोई कैटल रनओवर होता है या और किसी कारण से जो है पुराना ये कैटल गार्ड हो जाता है, तो उस समय क्या होता है यहाँ क्रैक्स आ जाते हैं। ये वेल्डिंग की हुई है, देखिए ये यहाँ ये इसी तरीके से वेल्डिंग इस साइड में भी दिखाई देगी, ये वेल्डिंग की वॉक किया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 जगह वेल्डिंग करके इसके साथ में किया हुआ है। और अंदर साइड से क्या देखना पड़ता है, देखिए कभी भी कैटल का रन ओवर होता है या कैटल में कोई खराबी दिखती है तो आपको अंदर से देखना पड़ेगा। ये देख रहे हैं ये बोल्ट नट बोल्ट लगे हुए हैं, ये पूरे ये यहाँ ये लगे हुए हैं, ये क्या हो जाते हैं टूट जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं टूट जाते हैं या गैप आ जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे इसके साथ में कहीं टूट फूट तो नहीं हुई है, क्योंकि ये कैटल बड़ा कैटल वगैरह होता है तो ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है, तो उस समय हमको ये विशेष ध्यान देना है कि कहीं ये चीज़ ठीक ठाक है कि नहीं है, सुरक्षित रहना चाहिए। ये बफर के फाउंडेशन के नट बोल्ट देखना बहुत ज़रूरी है, 2 बोल्ट इधर हैं और 2 बोल्ट इस साइड में, ये कभी ढीले हो जाते हैं या टूट जाते हैं तो ये बफर क्या हो जाएगा ड्रॉपिंग हो जाएगा, बफर का जो है अलाइनमेंट गड़बड़ हो जाएगा। ये बफर का मिडिल से लेके जो है इस रेल हेड तक का अगर हम देखते हैं तो 1030 से 1105 एमएम के बीच रहना चाहिए इसका मिडिल और रेल हेड, इसके बीच की ऊंचाई 1030 से 1105 एमएम रहना चाहिए। अब दूसरा कोच अगर लगता है, पार्सल वैन है, उस पर ज़्यादा सामान भरा हुआ है, उसका बफर और ये इंजन का बफर में अगर डिफरेंस आता है तो 75 एमएम तक अलाउड है, इससे ज़्यादा अलाउड नहीं है। यहाँ पे जो है अंडर ट्रक में जो देख रहे हैं हम लोग, इसको व्हील सेट गाइड रॉड बोलते हैं। ये हर चक्के के ऊपर एक व्हील सेट गाइड रॉड लगी रहती है, टोटल 12 चक्के हैं, 12 व्हील सेट गाइड रॉड लगी रहेगी इसमें। यहाँ पे देखना है कि इस फेरी ब्लॉक में यहाँ पे और इसके इनसाइड में ये यहाँ जो दिख रहा है ये नट बोल्ट के द्वारा, यहाँ पे देखिए ये इतना बड़ा जो है नट बोल्ट हमारा ये आ रहा है, इतना बड़ा एक तरफ ये लगा है और दूसरे साइड में ऐसा ही यहाँ पे ये भी लगा हुआ है, ये भी आया हुआ है। तो कभी कभी क्या हो जाता है ये यहाँ से टूट जाता है, ये यहाँ से अगर टूट जाएगा तो ये चीज़ नीचे गिर जाएगी और लोगों को फिर फील करना पड़ता है। सेक्शन ब्लॉक सेक्शन क्लियर करने के लिए हम लोग इसको तार से बांध देते हैं और सेक्शन क्लियर करते हैं, लोगों को फील कर देते हैं। अभी यहाँ पे जो है ये हर एक्सेल के ऊपर स्प्रिंग जो लगी हुई है उसको प्राइमरी स्प्रिंग बोलते हैं या प्राइमरी सस्पेंशन बोलते हैं। हर एक्सेल के ऊपर एक एक्सेल ये हो गया, एक एक्सेल ये हो गया और एक एक्सेल यहाँ आ गया, तीनों एक्सेल के ऊपर प्राइमरी सस्पेंशन लगा हुआ है, इस बीच वाले एक्सेल के ऊपर सेकेंडरी सस्पेंशन लगा हुआ है, अपर ट्रक और अंडर ट्रक के साथ में इसको जोड़ के रखा गया है। तो यहाँ पे ये कॉयल टूटनी नहीं चाहिए, क्रैक हो जाती है तो हमें नीचे से टॉर्च डाल के जो है इसको यहाँ से ऐसे रोशनी डाल के हमें चेक करना पड़ता है कि कहीं कोई टूट फूट तो नहीं है, अगर टूट है तो लोगों फील करना पड़ता है। ये प्राइमरी डैम्पर, ये प्राइमरी डैम्पर लगे हैं इस एक्सल के ऊपर और इस एक्सल के ऊपर, इसको प्राइमरी डैम्पर बोलते हैं और इसको सेकेंडरी डैम्पर बोलते हैं, लेकिन इसको बोलेंगे सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर। तो जब वर्टिकल डैम्पर है उसी के पास में हॉरिजॉन्टल डैम्पर भी होगा,
तो यहाँ देखिए ये इन साइड में जो गया हुआ है इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल डैम्पर। बॉडी और बोगी के साथ में इसको कनेक्ट करके रखा गया है। अब इसी के पास में ही देखेंगे हम लोग, इस साइड में अगर आ जाएंगे सेकेंडरी सस्पेंशन के बाजू में, तो यहाँ इसको बोलते हैं यार डैम्पर। तो ये बाकी कोई भी डैम्पर अगर टूट जाता है तो उसके लिए हम लोग तार बांध के अलाउ कर देते हैं, लेकिन यार डैम्पर के लिए जो है अगर ये कहीं डिस्कनेक्ट हो जाता है, टूट जाता है, तो इसको हाई स्पीड ट्रेन के लिए अलाउ नहीं किया जाता है। यहाँ नीचे देखिए ये जे ब्रैकेट, ब्रेक पुल रॉड, ये कभी कभी टूट जाते हैं, जे ब्रैकेट लटका हुआ है तो इसको भी हमको तार से बांधना पड़ता है। सिक्योर रहना चाहिए, कोई भी चीज़ अगर नीचे गिरती है तो क्या हो जाएगा, वो ट्रैक पे नहीं आना चाहिए, ऊपर ही लटक जाना चाहिए। यहाँ पर बैटरी बॉक्स को जो है चार जगह से हैंग किया गया है, एक जगह ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है और चौथा जो है देखिएगा ये इस साइड में, यहाँ पे ये जहाँ मेरी ये जा रही है ये यहाँ पे हमने कनेक्ट करके रखा है। इन चारों जगह में हमको देखना है कि कहीं यहाँ से देखें टूटा हुआ तो नहीं है, क्रैक तो नहीं है, या नट बोल्ट कहीं निकल तो नहीं गया है। यहाँ पे फाउंडेशन का देखना है, नट बोल्ट नहीं निकला है, ये यहाँ से कहीं क्रैक तो नहीं है, ये भी देखना है कहीं क्रैक तो नहीं है, अगर क्रैक रहेगा तो ये चीज़ नीचे चली जाएगी, इसलिए हमें जब भी चेक करते हैं इसका ज़रूर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही कंप्रेशर को भी तीन जगह से लटकाया गया है, एक जगह यहाँ पर लटकाया गया है, दूसरा हो गया, ये तीसरा यहाँ लटकाया गया है। तो जिस पे ये हैंग की गया है ये यहाँ देखना है कहीं क्रैक वगैरह तो नहीं है, यहाँ से भी कभी कभी क्रैक हो जाता है, कभी कभी यहाँ की पट्टी क्रैक हो जाती है, अभी तो डबल दे के रखा गया है क्रैक ना हो, लेकिन फिर भी अपने को यहाँ देखना है कहीं क्रैक तो नहीं है। यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, इसी तरीके से यहाँ पे हो गया, ये क्रैक नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही जो है ये वायर लगे हुए हैं, ये वायर लगे हुए हैं, एक वायर ये है, दूसरा वायर ये है, ये वायर भी लगे होने चाहिए। बाई दिवे कहीं ऑन रन कहीं कुछ ऐसी घटना या दुर्घटना होती है तो ये चीज़ अगर टूट भी जाए तो ये नीचे नहीं कंप्रेशर करना चाहिए, इसी पे हैंग हो जाना चाहिए।